बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे विल कंटिन्यू एस्टिमेटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिया था कि किस किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं, तो हम उसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका और ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए। और उसके बाद हम बॉडी मास इंडेक्स देख लेते हैं और उसका एसोसिएशन देख लेते हैं विद एस्टिमेटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। Example of calculating estimated energy requirement. To determine your estimated energy requirement, use the appropriate equation, inserting your age in years, weight in kilograms, height in meters, and physical activity factors from the accompanying table. तो आपका हमने जब equation use करनी है तो हमने हाइट को तो हम एज अपनी वेट अपनी एज को जो हम तो लिख सकते हैं ईयर्स में, हाइट को हमने लिखना होता है इन केजी, और सॉरी हाइट को हमने मीटर्स में और वेट को हमने केजी में लिखना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पाउंड्स हैं तो और उनको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास जितने भी पाउंड्स होते हैं उनको आप डिवाइड कर देते हैं बाई 2.2। और अगर आपके पास इंचेस हैं, इंचेस को आपने मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको आप डिवाइड कर देते हैं बाय 39.37। तो ये जो दो आपके फैक्टर्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। मोस्टली हम पाकिस्तान में अपना वेट वैसे ही केजी में देखते हैं, तो अगर आप केजी यूज़ करते हैं तो दैट्स फाइन, वो तो आपको फिर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ़ यू हैव योर वेट इन पाउंड्स तो उसको आप फिर 2.2 से डिवाइड कर देते हैं। और इंचेज़ को मीटर में करने के लिए आप जो है उसको 39.37 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब फॉर मेन ये आपकी सिंपलिस्टिक एक इक्वेशन है, और फॉर वुमेन 19 ईयर्स एंड ओल्डर ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन एक्टिव 30 ईयर ओल्ड मेल, एज उसकी 30 ईयर्स हैं, वो इज़ 5 feet 11 inches, 5 feet 11 है वो, और वेट उसका 178 pounds है, ठीक है। तो पहले हम वेट को पाउंड्स में कन्वर्ट करें, जो पाउंड्स में है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 178 pounds डिवाइडेड बाई 2.2 इज इक्वल टू 80.9 kg। और उसकी हाइट को इंचेस से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इंचेस हैं हमारे पास 71 inches, और उसको हम 39.37 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 1.8 meters आ जाता है। अब इसमें एक और बात भी देखते चलें कि आपकी जो इंचेस हैं, मतलब आपके पास इस वक्त हैं 5 feet 11 inches, तो फीट को कैसे कन्वर्ट करते हैं 11 में, तो फीट के लिए आप करते हैं, तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपके अब फीट, एक फीट के अंदर, 1 feet के अंदर आपके 12 inches होते हैं, ठीक है। तो 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 से तो 60 बनता है। अब आगे एक्स्ट्रा 11 इंचेस हैं, ठीक है, तो 60 प्लस 11 आपका आंसर आता है 71। ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा 5 feet 60 होता है। अगर आप इतना सा ये चीज़ याद रख लेना कि 5 feet is equal to 60 inches, तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। आप ये बात याद रखें कि 5 feet में 60 inches होते हैं, ऊपर एक्स्ट्रा जितने भी इंचेस होते हैं उनको आपने बस उसके साथ प्लस कर देना है, और फिर वो आपके पास 71 inches आ जाएंगे। अगर आपने उसको मीटर से कन्वर्ट करना है तो फिर आप उसको 39.37 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मीटर में आ जाता है 1.8 meters। अब आप उसकी कंसिडर करें, आपने उसकी कंसिडर करनी है लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी थ्रू PA फैक्टर, ठीक है। तो टेबल से आप चेक करेंगे, वो तकरीबन बनता है 1.25, क्योंकि एक्टिव मोड है उसका जो है वो एक्टिव है, ठीक है। आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी जिससे पता चलेगा कि कितना एक्टिव है, तो 1.25 आपका एक्टिव मोड बनता है।
फिर आपने ये सारी की सारी चीज़ें आपने अप्रोप्रिएट इक्वेशन में डाल देनी है, जैसे ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, एक्टिव मेल की है, ठीक है। तो ये एक्टिव मेल के लिए EER की कैलकुलेशन है। तो हमने क्या किया है, सिक्स सिक्स टू माइनस 9.53 मल्टीप्लाई बाय एज, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 15.91 मल्टीप्लाई बाय केजी, 80.9 हमारा वेट इन केजी था वो, प्लस 539.6 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 1.8 मीटर्स हमारी हाइट है। तो वो सब हमने इसमें डाल दिया। अब डू द कैलकुलेशन विद इन द पैरेंथीसिस फर्स्ट। ये आपका पैरेंथीसिस होता है, जो रेक्टेंगल आपकी ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले हम वो करते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 286। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 971, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1287। अब कैलकुलेशंस वो करनी है जो ब्रैकेट में पहले होंगी, ठीक है। तो 662 माइनस 286 आ जाता है हमारे पास 376, और 1287 प्लस 971 आ जाता है हमारे पास आंसर 2258। अब ये आ गया है, अब हम कौन सा पहले करेंगे। पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है हमारे पास 2823 प्लस 376, और एंड में हमारे पास आ जाता है टोटल EER 3199। द एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्टिव 30-year-old मेल हु इज़ 5 feet 11 inches टॉल एंड वेज 178 pounds इज़ अबाउट 3200 kilocalories पर डे। तो यही हमारे पास आंसर है 319, एंड ये 3200 बन दिए। हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट प्रोबेबली फॉल्स विद इन अ रेंज ऑफ 200 kilocalories अबव एंड बिलो दिस एस्टिमेट। तो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा बीच में स्केल रखते होते हैं, कैलोरीज ऊपर या नीचे का। तो 200 किलो कैलोरीज ऊपर या नीचे हो सकती हैं, लेकिन प्रॉबेबली रेंज यही रहती है। और इस तरीके से हम एक EER निकाल लेते हैं, और ये एग्जैक्ट EER होती है। और इससे हमें पता चल जाता है कि एक इंडिविजुअल को दिन में कितना खाना खाना चाहिए। अब इसके बाद जब हमने EER निकाल ली, ठीक है, मतलब 3200 किलो कैलोरीज पर डे उसको चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, फिर उसके बाद मील प्लान बनाना रह जाता है कि एक इंडिविजुअल दिन में क्या क्या खाएगा और किस किस तरीके से खाएगा, और कि वो 3200 किलो कैलोरी से ऊपर इसकी एक कैलोरीज एक्सीड ना करें। पर तब भी हमने इस तरह के खाने बीच में डालने होते हैं जो एनर्जी डेंस के साथ साथ, खाली एनर्जी डेंस ना हो, न्यूट्रिएंट डेंस हो, ताकि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं। सो दैट्स हाउ यू डू इट। इसके बाद आ जाता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा होता है रिलेटिव वेट फॉर हाइट को, ठीक है, मतलब वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। ये हम ज़्यादातर मीट्रिक स्केल यूज़ कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया तकरीबन मीट्रिक स्केल यूज़ करती है। फिर उसके बाद अमेरिका में या कुछ एक दो और कंट्रीज़ हैं जिनमें IS इंटरनेशनल यूनिट यूज़ होता है, जिसमें वो ज़्यादातर पाउंड्स में और इंचेस में वेरियर करते हैं। तो या तो आपका ये होता है या फिर आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाउंड्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं बता चुकी हुई हूँ, पाउंड्स को आप डिवाइड कर देते हैं बाय 2.2 तो केजी आपको मिल जाता है। और इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 39.37 से। तो नॉर्मली हमारी वेट कैटेगरीज ये होती हैं, अंडरवेट, हेल्दी वेट आपका जो है वो अंडरवेट लेस देन 18.5, हेल्दी वेट आपका 18.5 टू 24.9 होता है, ओवरवेट आपका 25 टू 29.9, ओबीस फिर 30s में जाता है, स्वेली ओबीस 35, और मॉर्बिडिटी ओबीस जो होते हैं वो 40 अबव BMI होता है। तो हेल्दी वेट की रेंज आपकी 18.5 टू 24.9 है, अंडरवेट 18.5, ओवरवेट 25, ओबीस 30, ठीक है। और बियॉन्ड
आपकी जो है 30 वो मॉर्बिडिटली ओबीज होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। जितने भी ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ होते हैं वो BMI 25 के बाद अपेरेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो 25 आपका लिमिट, कट ऑफ लिमिट है, इसके बाद आपको बीमारियाँ शुरू हो सकती हैं। ऑल्दो 25 इज़ नॉट ऑल्सो गुड फॉर यू, बट 25 के बाद आपकी ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो हेल्दी वेट आपने याद रखना है 18.5 टू 24.9 है। अंडर वेट वाले 18.5 से शुरू होते हैं, ओवर वेट वाले 25 और ओबीज 30, ये कट ऑफ लिमिट्स हैं आपकी। और सिंपल वन फिगर, दो रेंजेस के बजाय अगर सिंपल आपकी वन फिगर याद हो तो आपको याद रह जाता है कि कौन सी रेंज में लाया करता है ये। फॉर दिस रीज़न आप BMI ऑफ 25 फॉर एडल्ट रिप्रेजेंट अ हेल्दी गोल फॉर ओवर वेट पीपल एंड एन अपर लिमिट फॉर अदर्स। BMI वैल्यूज़ स्लाइटली बिलो द हेल्दी रेंज मे बी कंपैटिबल विद गुड हेल्थ इफ़ फूड इनटेक इज़ एडिक्वेट, बट साइंस ऑफ इलनेस, रिड्यूस्ड वर्क कैपेसिटी एंड पुअर रिप्रोडक्टिव फंक्शन बिकम अपेरेंट व्हेन BMI इज़ बिलो 17। तो आपकी BMI वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी हेल्थ बता रही होती हैं, ठीक है। और ये बता रही होती हैं कि इतन मतलब आपका हाइट और वेट, आपकी आपका वेट जो है वो आपकी हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसी से हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है और काफ़ी एक्यूरेट अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो कितना लाइक कर रहा है। अच्छा, तो आपकी जो हेल्दी रेंज है वो कंपैटिबल होती है गुड हेल्थ से, और जब भी आपके साइंस ऑफ इलनेस होंगे, पुअर रिप्रोडक्टिव फंक्शन होगा, रिड्यूस्ड वर्क कैपेसिटी होगी, तो वो आपकी BMI अगर आप चेक करेंगे उनका तो पता चल जाएगा कि वो अंडर वेट लोग हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने देखनी होती है, कीप इन माइंड दैट BMI रिफ्लेक्ट्स हाइट एंड वेट मेजर्स एंड नॉट बॉडी कंपोजिशन। देखें तो बेसिकली वो प्रॉपरली कर ही ये रहा है कि हाइट और वेट मेजर्स कर रहा है, मतलब वो बता रहा होता है कि हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, पर वो बॉडी कंपोजिशन नहीं बताता BMI। बॉडी कंपोजिशन क्या होती है कि कितना आपका लीन वेट है और कितना आपका फैट वेट है, ठीक है, ये नहीं बता रहा होता। अब कई जगहों पे यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाती हैं, वो चेंजेस कैसे आती हैं ये भी देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली मस्कुलर एथलीट्स मे बी क्लासिफाइड एज ओवर वेट बाई BMI स्टैंडर्ड्स एंड नॉट बी ओवर फैट। अच्छा, तो यहाँ पे चेंजेस ऐसे आते हैं, एथलीट्स जो होते हैं उनका लीन मसल मास बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगले, लेकिन अगर हम उनका वेट चेक करें, ठीक है, उनकी हाइट के हिसाब से, तो हम कहेंगे कि इनका तो वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन वो ओवर वेट होते ही नहीं हैं क्योंकि उनका फैट नहीं होता, वो तो प्रॉपरली लीन्ड होते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं कि वेट जो है वो फैट का वेट नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे वो वेट आपके लीन मसल मास का होता है। लीन मसल मास, एक्टिव लीन मसल मास का वेट इज़ फाइन, हमें मसला ये है कि फैट का वेट ज़्यादा ना हो। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एट द पीक ऑफ हिज बॉडी बिल्डिंग करियर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, हम एक बहुत ही लीन हमारा और काफ़ी मशहूर फिगर है, ही वॉज़ वेरी गुड एट मसल बिल्डिंग, और उसके बाद ही वर्कड इन मूवीज़ टू, और उसने काफ़ी बारी चैम्पियनशिप जीती हुई है, ठीक है। वो तो वो एक्चुअल में बॉडी बिल्डर था, वेट लिफ्टर था, ठीक है। तो मसल्स बनाने में या ग्रेट मसल्स शो करने के लिए ही वॉज़ गुड। तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने ओलंपिया जीता था और उसका BMI 31 था। 31 हमारी रेंज क्या है, 18.5 टू 24.9, तो 31 मतलब वो ओबीज में आता है, ठीक है। तो लेकिन वो 31 BMI इसलिए था क्योंकि उसका लीन मसल मास बहुत ज़्यादा था कंपैरेटिवली, तो उसको हम ओबीज नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसी तरीके से आपके जितने भी एथलीट्स आ जाते हैं उनके लिए फिर आप दूसरी मेजर्स भी चेक करते हैं, ठीक है। BMI एक तरीके से आपका बता रहा होता है कि वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका एक इजी और आसान तरीका है
एक इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए। लेकिन फिर अगर आप अपेरेंस चेक करें उन इंडिविजुअल्स की, ठीक है, तो आप अपेरेंस के कंपैरेटिवली बाकी मेजर्स भी देख सकते हैं। आप उनकी बॉडी कंपोजिशन थ्रू स्किन फोल्ड थिकनेस देख सकते हैं, डेली कैलरी इनटेक के ज़रिए से देख सकते हैं, ठीक है, आप उनकी बॉडी कंपोजिशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि एक इंडिविजुअल का असल में बॉडी कंपोजिशन कितनी है। जब हम इफ़ यू आर फाइन कि अच्छा इनकी बॉडी कंपोजिशन इज़ फाइन फॉर देम, तो फिर हम उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, EER कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनको कितना हम दें, ठीक है। क्योंकि फिर हमने ये देखना होता है कि अगर BMI 31 है बट इट्स नॉट फैट, इट्स एक्चुअली लीन मास, तो इतना ज़्यादा लीन मास को फिर हमने कोरिलेट भी करना है, हमने वो अकोमोडेट करना है कि वो उतना वर्किंग टिश्यू वर्किंग रहे, तो हमने उनको उतनी कैलोरीज फिर प्रोवाइड करनी होती हैं, तो वो फिर हम इस तरीके से मैयर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आपके स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस हैं बॉडी कंपोजिशन में, दे आर ऑल्सो अपेरेंट अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एंड वेरियस एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स, मेकिंग स्टैंडर्ड BMI गाइडलाइंस इनअप्रोप्रिएट फॉर सम पॉपुलेशंस। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस हैं बॉडी कंपोजिशन में, वो डिफरेंट एथनिक रेस ग्रुप्स में और रेशियल ग्रुप्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक्स, ब्लैक्स टेंड टू हैव अ ग्रेटर बोन डेंसिटी एंड प्रोटीन कंटेंट देन वाइट्स, कंसिक्वेंटली यूजिंग BMI एज द स्टैंडर्ड में ओवर एस्टिमेट द प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी अमंग ब्लैक्स। तो रेशियल अगर हम डिफरेंसेस देखें वाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान, एट दैट पॉइंट नोट दैट वी पाकिस्तानीज आर नॉट वाइट्स एंड वी पाकिस्तानीज आर नॉट ब्लैक्स, वी हैव अ डिफरेंट रेस, वी आर ब्राउन, ठीक है। तो वाइट और ब्लैक के अगर कंपैरेटिवली देखें देखा जाए तो ब्लैक्स की बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, थिक बोन डेंसिटी होती है उनकी, और उनका प्रोटीन कंटेंट भी बॉडी में ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू वाइट्स। तो अगर हम वहाँ पे BMI चेक करें तो BMI रेंज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कई कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपनी BMI रेंजेस बनाई हुई हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, या इसी तरीके से कई कंट्रीज़ के अपने डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स हैं, ठीक है, दोज आर अपेरेंट फॉर देयर ओन रेस एंड फॉर देयर ओन पॉपुलेशन, ठीक है, और वो ज़्यादा कंपेरेटिवली उनके लिए मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनके लिए बेहतर है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है हमें वी हैव टू नोट दैट डाउन। ये आप डिफरेंस तब भी चेक कर सकते हैं जब आप सिंपली पेशेंट को आई टू आई फेस टू फेस डील कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉपरली उनकी फिजिक देख के अंदाज़ा हो सकता है कि अच्छा अगर उनका BMI ज़्यादा है तो लेट मी चेक देयर फिजिक इफ़ दे हैव गुड हेल्दी फिजिक, ठीक है, और इधर दे आर फैट डेंस, ठीक है, तो वहाँ पे फ़र्क हो सकता है। डिफिनेशंस देख लें, बॉडी मास इंडेक्स एन इंडेक्स ऑफ पर्सन्स वेट इन रिलेशन टू हाइट डिटरमाइंड बाय द वेट इन किलोग्राम्स बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। फिर इसके बाद अब जब भी आप BMI की बॉडी मास इंडेक्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, आप डेफिनेशन देंगे लेकिन आपने साथ में रेशो भी देनी है, ठीक है, ये रेशो आपने देनी है, ठीक है, ये पूरी आपने रेशो लिखनी है नीचे, तब आपकी डेफिनेशन पूरी होगी, इसके बगैर आपकी डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। अंडरवेट, बॉडी वेट बिलो सम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल वेट दैट इज़ यूजली डिफाइंड इन रिलेशन टू हाइट सच एज BMI बिलो 18.5। ओवर वेट, बॉडी वेट अबव सम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल हाइट दैट इज़ यूजली डिफाइंड इन रिलेशन टू हाइट सच एज BMI एंड BMI शुड बी 25 to 29.9। वाइल ओवर वेट विद एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, ओबीज की एग्जाम्पल है, ओवर वेट विद एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स BMI 30 और हायर, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स की डेफिनेशंस, कुछ नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्रोनिक डिजीज़ जैसे आपके डायबिटीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, ठीक है, हाइपरलिपिडीमियाज हैं, इस तरह करके, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हाई प्रिवेलेंस, हाई फैट रेशो देन लीन मसल मास, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
बॉडी मास इंडेक्स की रेंजेस ये हैं, इस तरह के चार्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बॉडी वेट इन पाउंड्स है ये चार्ट, लेकिन आपको कई चार्ट आपके मिल जाते हैं जो बॉडी वेट इन केजीज भी हों, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने फिर सिंपली यहाँ से हाइट चेक करनी होती है आपकी, जो भी हाइट है, ठीक है, और उसको आप चेक कर लेते हैं आपका जो भी वेट आता है। हेल्दी वेट, ओवर वेट, इनके कलर्स अलग हैं और ओबीज के कलर्स अलग हैं। तो इस तरीके से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका वेट किस में लाया करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पर्सन हु इज़ 180 एंड इज़ 5'2", ठीक है, तो 180 अगर हम चेक करें तो ओवर वेट है, ठीक है। और उसके अलावा इफ़ अ पर्सन इज़ 6'2", तो 180 आपका हेल्दी वेट में आता है, 179 to 186। तो यू जस्ट हैव टू डिटरमाइन के आपका वेट क्या है, और आप उसको बॉडी मास इंडेक्स के चार्ट से भी मेजर कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बीएमआई की। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम ज़रा इस फार्मूला से देखें, लास्ट में मैंने आपको इस फार्मूला से देखा था, अब हम ज़रा इस फार्मूला को चेक कर लेते हैं। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज़ 5'5", 1.65 मीटर टॉल। किस तरीके से हमने किया है, 60 + 5 inches, ठीक है, फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया 39.37 से, तो आपका आ गया 1.65 मीटर टॉल एंड वेज 174 pounds, जो कि 79 in kg है, ठीक है। तो आपका पाउंड्स और इंचेस इस तरीके से आप लिखेंगे, और केजी और मीटर अगर आपने लिखना है तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे, 79 kg, 1.65 मीटर टॉल, ठीक है, जो आपको आसान लगे। आंसर आपका 29 नहीं आता है। दिस पर्सन हैज़ अ BMI ऑफ 29 एंड इज़ कंसिडर्ड ओवर वेट, ठीक है। 29 आपको पता है ओवर वेट होता है, तो उस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कितना होना चाहिए। अ रीज़नेबल इनिशियल टारगेट फॉर मोस्ट ओवर वेट पीपल इज़ अ BMI 2 units बिलो देयर करंट वन। ओवर वेट इंडिविजुअल्स के लिए जो इनिशियल टारगेट होना चाहिए वो BMI 2 units बिलो देयर करंट वन होना चाहिए। इसका मतलब है 29 है अगर उनका, तो आप जो है 27 पहले अपना टारगेट रखें। आप सीधा 24 तक ना जाएं, आप पहले 27 रखें कि इनिशियल टारगेट आपका 27 हो, आप उतना वेट लूज़ करें, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे फर्दर आप आगे लूज़ करेंगे, क्योंकि अगर सीधा 24 करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी, एक तो लॉन्ग जंप है और दूसरा इतना फास्टली अगर आप लूज़ करेंगे तो आपके आपके लिए वापस मतलब अनहेल्थफुली आप उसको लूज़ करेंगे, ठीक है। तो और दूसरा आपके लिए मुश्किल भी बहुत हो जाएगा। टू डिटरमाइन अ गोल वेट बेस्ड ऑन डिज़ायर्ड BMI, लोकेट योर हाइट इन द फर्स्ट कॉलम, देन लुक अक्रॉस द कॉलम विद द डिजायर्ड BMI एट टॉप। इन दिस एग्जाम्पल, टू रीच अ BMI ऑफ 27, दिस पर्सन गोल वेट इज 162 pounds। देखें इसका मतलब ये, मैं आपको टेबल से दिखाती हूँ। इंडिविजुअल का वेट है 29 और उसकी हाइट है 1.65 मीटर टॉल, जो कि बन रहा है 5 feet 5 inches, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल का वेट अभी उसका 29 है, लेकिन द डिज़ायर्ड वेट जो डिज़ायर्ड BMI 27 लूज़ करना चाहता है, तो इसका अभी बनता है 29। तो हम यहाँ से ज़रा 29 BMI देखते हैं, ये 29 है, ठीक है, 179 BMI। अब हमने कहा कि 2 inches कम कर दें, मतलब 2 units कम कर दें, 24 लेके आए, 27 लेके आए, तो 27 अगर आप देखें 5'5" के लिए तो 162 है। तो इसका क्या मतलब है, अभी उसका वेट 174 है और उसने अपना गोल रखना है कि उसने डिज़ायर्ड वेट 162 लेके आना है। इस तरीके से आप अपना वेट आहिस्ता 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 अपना डिज़ायर्ड गोल लेके आते हैं कि अच्छा मुझे इतना वेट चाहिए अपना, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट।
तो उसने क्या करना है, उसने 12 पाउंड वेट लूज़ करना है अपना, ठीक है। सच अ डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अ पर्सन सेट रियलिस्टिक वेट गोल्स यूजिंग हेल्थ रिस्क एज अ गाइड। तो इस तरीके से आप जो है रियलिस्टिक वेट गोल्स आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से एक इंडिविजुअल ईजिली उनको अचीव भी कर सकता है। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। दिस इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।